अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं अभी अम्मी के घर जा रही थी, कुछ मेरी तबीयत सुबह की सही नहीं थी। अम्मी को बताया तो वो कह रही थी नहीं नहीं इधर आ जाओ, ठीक हो जाएगी। वहाँ पे रास्ता भी आई हुई है, बच्चों के साथ व्लॉग वगैरह शूट कर रही है। तो मैंने कहा थोड़ी देर अम्मी के पास टाइम गुजार रहा हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी मुकद्दस को लूँगी और हमने एक ड्रेसिस को ये जो वीडियो है वो शूट करनी है। तो आज की वीडियो आप लोगों ने स्किप नहीं करनी क्योंकि बहुत मज़े की होने वाली है। चलो जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अम्मी के घर जाते जाते ना घर से निकलते हुए मुझे 2 बज गए थे, हालांकि अम्मी ने मुझे 1 बजे कहा था कि आ जाना। दिन के टाइम मौसम वैसे बहुत अच्छा था और अम्मी की कॉल आई कि हमने खाना वगैरह रख दिया और बस मैं पहुंची तो मैंने सीधा ही खाना खाना शुरू कर दिया था। माशाल्लाह इतना टेस्टी खाना बना हुआ था, पुलाव बना हुआ था, अच्छा चिकन के ही मीट बॉल्स कोफ्ते बने हुए थे, साथ ही चिकन के कबाब बने हुए थे। माशाल्लाह खाना बहुत ही टेस्टी था। आई थिंक राजता ने और अम्मी ने मिलके बनाया था। बस गए तो बातें शुरू हो गई कुछ चैनल की और कुछ फैमिली की और कुछ घर की। बस काफ़ी देर आज मैंने अम्मी के साथ टाइम स्पेंड किया था। तबीयत भी मेरी कुछ इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन वहाँ पर बैठ के सबसे बातें करके टाइम गुजार के बहुत अच्छा हो गया था। अच्छा ये अम्मी का ड्राइंग रूम है, जो एंटर हो तो राइट साइड के ऊपर बनता है और बिल्कुल मैं जब शूट करने लगी और ऊपर से नासिर आ गए थे। मैंने कहा तो था कि पूरे घर की वीडियो बनाऊँगी लेकिन बातें करते हुए और वहाँ पर बैठे हुए बिल्कुल कहते ना मेरा दिल भी नहीं किया कि मोबाइल पकड़ूँ और वीडियो वगैरह बनाऊँ। अच्छा ये वाला जो रूम है ना, ये मेरा और हम तीनों सिस्टर्स का था शादी से पहले। सेम बेड वही है, बाकी वॉल्स वगैरह के ऊपर जो है ना वो चेंज हो गया कलर। अच्छा ये कबर्ड और बेड जो है ये वही है जो हमारा शादी से पहले था। ये सामने वाला जो रूम है ये अम्मी अबू का है बेडरूम, और टीवी वगैरह जो है वो LCD वो अभी उन्होंने ड्राइंग रूम में रखी होती है, जहाँ पर हम बैठे हुए थे वहाँ पर लगाई हुई होती है। और ये हमज़ा है राजता का बेटा, बस भी नासिर और शाम आ गए थे, मुझे ड्रॉप ही यही कर गए थे, इनको आगे काम था थोड़ा सा, बस वो काम वगैरह करके आए तो मुझे पिक करने के लिए आए तो अम्मी ने कहा नहीं नहीं अंदर आए चाय पी कर जाना है। बस ये थोड़ी देर ही बैठे थे और फिर बस मैं सीधी गई मुकद्दस को लेने के लिए। मुकद्दस जो है वो रेडी हो रही है लेकिन मैं आपको जल्दी जल्दी से दिखा देती हूँ। ये जो मेरा रैक है इसके ऊपर ये वाले जो 2 ड्रेसेस है ना, ये वाला जिस तरह के ये है पिस्टाचू कलर का, ये भी मुझे सेम पेज से ही रिसीव हुआ था। ये देखिए इस तरह के जो ड्रेसेस हैं, नंबर मैं दे दूंगी ठीक है। 2 मुकद्दस आपको पहन के दिखा देगी, इनका काम भी बहुत खूबसूरत है, स्टिच भी ये बहुत प्यारे हुए हैं। लेकिन ये वाले जो 3 पीस ड्रेसेस हैं ना आपको इनके पेज से मिल जाएंगे, ये आप लोग देख लें। एक ये वाला है काम, आप इसका नज़दीक से देख लें ये, और एक जनाब ये वाला है ऑफ वाइट क्रीम कलर है ये वाला, ये देखें बहुत ही खूबसूरत कलर कम्बिनेशन, इतनी ज़्यादा है, फैब्रिक बहुत प्यारा है। ये देखें मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ, ये देखें फैब्रिक, ये दुपट्टा है और ये वाला काम आप लोग इनका देख लें, बहुत नफीस और बहुत खूबसूरत है। नीचे बॉर्डर के ऊपर भी है, तो इस तरह के जो बरी जहेज के कपड़े वगैरह आप बनवाना चाहते हो, इनसे ख़रीदना चाहते हो ऑनलाइन, तो आप लोग आराम से ले सकते हो। अब मैं देखती हूँ मुकद्दस रेडी हो गई होगी। मुकद्दस हो गई है रेडी। इस वाले ड्रेस में हमने बनानी है, क्या बनानी है? ट्रांसफॉर्मेशन। सलाम करो सबको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? और ये ब्राइडल मेकअप है जो कि मेकअप हमने जल्दी जल्दी में किया, ऊपर करो आई सामने देखो ठीक है। और ज्वेलरी असल में तो ये ड्रेस है खूबसूरत, बहुत अफोर्डेबल हमें रिसीव हुआ था इंस्टाग्राम पे। मैंने अनबॉक्सिंग की स्टोरी लगाई तो आप लोगों ने कहा भी प्लीज़ हमें भेज दें, हमारी शादी है। तो मुझे आइडिया आया कि आप लोग ना जो मंगवाना चाहे वहाँ से भी मंगवा सकते हैं। घूम के दिखाओ मुकद्दस, ये देखिए जरा फ्लेयर्स आप, और इसके नीचे ना कैन भी लगी हुई है लहंगे के नीचे, कैसा लग रहा है? बहुत ही ज़्यादा बहुत कंफर्टेबल और बहुत प्यारा है। असल में हमारे यहाँ पर इतनी क्योंकि लाइट्स नहीं होती ठीक है, आप लोग अपनी मेहंदी पे भी पहन सकते हो। जी, और बहुत वर्सेटाइल है, मतलब आप किसी की मेहंदी पे जाएं तब भी आप ये पहन सकते। बहुत लाइट वेट है, बहुत प्यारा है। और ये देखिए ना पिंक के साथ जो कम्बिनेशन है बहुत प्यारा लगेगा अगर आप लोग अपनी शादी पे भी इसे खरीदते हो। और इनके पेज के ऊपर से ना जिधर से ये मुझे रिसीव हुआ है, अच्छा शर्ट का नीचे से थोड़ा सा दुपट्टा हटा के डिज़ाइन दिखाना, ये देखें ज़रा ये पहने हुए, वो एक सिंपल सी प्लेन सी कुर्ती वाला डिज़ाइन नहीं है बल्कि इतना ये खूबसूरत है ना। और प्राइस रेशो से इतना कमाल है, ये है ना कि प्राइस अगर इतनी हो ना तो बंदा 1-2 ड्रेसेस ले ले। पेज जो है मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है, तो आप लोग आराम से इस तरह का खूबसूरत सा ड्रेस अपनी शादी पे मेहंदी पे ले सकते हैं। बल्कि कहते बैठ के ना जरा दुपट्टा करके दिखाओ ना, मैं तो कहती हूँ उधर बैठो जरा, उधर प्यारा लगेगा ज़्यादा, वहाँ से ज़रा हाँ ऐसे करके सामने मिरर से दिखाओ, इधर आ जाओ हाँ यहाँ से ये
ये अगर आप लोगों ने अपनी भी आपकी मेहंदी हो ना, बहुत प्यारा लग रहा है उनका दस, आप लोग ज़रूर इसे ऑर्डर कर लीजिएगा। मेरे ख्याल में तो 5-6-6 कुछ की रेंज में है ये, 6 की रेंज में। और जनाब हमने दूसरा जो ड्रेस है वो पहन लिया और आप लोग देख सकते हैं कि किस कदर हसीन लग रहा है। कदर थोड़ा सा घूम के दिखाना बैक साइड से, ये देखिए। और ये मेरी रिंग लाइट्स हैं जो एक नहीं चल रही, इतना मैं चला लूँ। असल में जब भी ट्रांसफॉर्मेशन या हमें इंस्टाग्राम की वीडियो बनानी हो ना, तो उसके लिए लाइट चाहिए होती है ज़्यादा। पीस शेड है इसका, बहुत ही इसका प्यारा काम और बहुत ही प्यारा स्टाइल है। और साइज़ ये भी लार्ज है, ये मैं आपको बताऊं, और बहुत लूज़ है मुकद्दस को, और उसी लिए अच्छा लग रहा है कि बड़ा लूज़ लूज़ सा खूबसूरत सा स्टाइल जो है वो बन जाता है इसका। ये अच्छा, इसके नीचे ना ये पेपलम है, खोल के दिखाना मुकद्दस ज़रा। और इसका एक एक जो लेग है ना, काफ़ी लूज़ में बना हुआ है, ये देखें, बहुत ही खूबसूरत स्टाइल इसका लगता है। और शर्ट पीछे से दिखाना ज़रा, बैक साइड से, ये देखें, बैक पूरी दिखाओ ना ज़रा, ये टेल स्टाइल में बनी हुई है, ये देखें, लूज में सारा। अच्छा, फ्रंट साइड के ऊपर ना जैकार्ड जो होता है ना, आई थिंक इसे यही बोलते हैं, वो कपड़ा लगा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और हाँ, ये वाला, ये जो नीचे नहीं लगा हुआ फैब्रिक, ये वाला लगा हुआ है, सो बहुत ही खूबसूरत जो है सामने प्योर के नीचे ना इसकी लुक आ जाती है। हम कहते हैं इनकी, पता है मुझे एक अच्छी बात क्या लगती है, कि जो लड़कियां पता है बाहर अपने इन लॉज के साथ नहीं जा सकती शॉपिंग करने, जैसे आपके इन लॉज दूसरे सिटी में रहती हूँ, तो वो क्या करें कि ऑनलाइन इनके पेज के ऊपर से ड्रेसेस जो हैं वो पसंद करके दे दें बरी वगैरह के लिए या कुछ, तो इन लॉज जो है वो वहाँ से ऑर्डर कर लें। ऑनलाइन बिजनेसेस ने ना आप काफी ज्यादा ट्रस्ट भी गेन किया, काफी ज्यादा एफिशिएंसी भी आई है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो फिर उससे ना हमें फिर होता है कि अब ऑनलाइन जो है शॉपिंग आप आराम से करें, इजीली। ठीक है, चलें जी, आई होप कि छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा आप लोगों को, हैं गदस, मैं कहती हूँ तो पहन के भी दिखा, बैठ के भी दिखा दो, ठीक है। हाँ, बैठ के भी एक दफ़ा दिखा दो, बैठो। चलें जी, जब आप बैठेंगे किसी के घर जाके ऐसी लुक आएगी, इधर देखो। और इतना लूज है ना कि आपको किसी भी तरह की और टेंशन नहीं होगी। चलें जी, आई होप कि छोटा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ड्रेसिस का मोबाइल नंबर और लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर करें, और अगली वीडियो का जो है सजेशन जो है वो भी आप कमेंट बॉक्स में दें। तो हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।